एवरीवन, ये है हमारी वीडियो नंबर 41 जिसके अंदर आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे हमारा एकदम नया चैप्टर जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। क्या होता है एडवर्टाइजमेंट? एक ऐसा नाम जिसे आपने बहुत सुना होगा, एक ऐसा नाम जिसे आपने बहुत पहले से सुना और देखा होगा, जिस चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। चैप्टर बहुत सिंपल है पर उसी के साथ साथ उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि अगर एक फर्म कोई प्रोडक्ट को तैयार करती है और अगर वो फर्म मार्केट में एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है, जो हमको लगता है कि तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, तो कभी भी उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। क्या होता है एडवर्टाइजमेंट, डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम उसे समझ लेते हैं। जो ये एडवर्टाइजमेंट है ना, ये एडवर्टाइजमेंट, ये सिंपल में अगर मैं समझाऊं क्या लिख रखा है मैंने, अगर आप सभी यूट्यूब चलाते हैं, जो कि आप बहुत ज्यादा चलाते हैं, आप सब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आप सब क्या देखते होंगे, कोई टीवी देखते होंगे, अगर आप सब कहीं घूमने जाते हो तो आपने बहुत बार नोटिस करा है कि टीवी पे जैसे ही कोई प्रोग्राम आपका चल रहा है, आप उसको देख रहे हो और अचानक उस प्रोग्राम के बाद एक एडवर्टाइजमेंट आता है। किसका? कोलगेट का। क्या आपके टूथपेस्ट में भी नमक है? एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है जो कि कोलगेट की कुछ जानकारी हमें दे रहा है, प्रोडक्ट के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट किस पे आ सकता है? एक टेलीविजन पे आ सकता है। आप सुबह सुबह चाय पीते पीते क्या कर रहे थे बेटा? अखबार पढ़ रहे। अखबार पढ़ते पढ़ते हमने देखा कि हीरो मोटरसाइकिल ने अपनी एक नई बाइक मार्केट में लॉन्च करी, तो ये क्या है बेटा? एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट है जो कि किसमें आ रहा है? न्यूज़पेपर में आ रहा है। आप कहीं घूमने जा रहे थे और बाहर आपने देखा बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ था, उसमें लिखा था फेयर एंड हैंडसम। फेयर एंड हैंडसम क्या था? एक बढ़िया सब प्रोडक्ट था जो कि एक फेयर, यानी कह सकते हैं फेयरनेस क्रीम होती है, उसका एडवर्टाइजमेंट आपने देखा, तो वो भी क्या है बेटा? एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट है। कुल मिलाकर व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट, क्या होता है एडवर्टाइजमेंट? बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है एक कंपनी के थ्रू किसको? हमारी बहुत सारी पब्लिक को, ताकि उन सारे पब्लिक को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चले और वो सारे लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेस करें। दैट इज कॉल्ड एज एडवर्टाइजमेंट। क्या होता है एडवर्टाइजमेंट, जल्दी से ये जो लिखा है उसे समझ लेते हैं। क्या है एडवर्टाइजमेंट? By the means of print media, जैसे कि newspaper का example दिया था, electronic media, जैसे कि television का example दिया था, cinema आपको picture देखने के होंगे, तो picture देखने से पहले क्या होता है बेटा? intervals होते हैं, intervals हो रहे, यानी कि फिर picture चलती फिर वापस interval हो रहा है, फिर last में picture movie खत्म होगी, तो cinema hall में भी क्या हो रहा है बेटा? products के बारे में बताया जाता है, वहाँ पे life insurance के बारे में बताया जा रहा है, कोई कह सकते हैं कोई सूट्स के बारे में बताया जा रहा है, कोई गारमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, तो वो सब भी क्या है बेटा? हमारा एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है। क्यों एडवर्टाइजमेंट करती है कंपनी? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, कंज्यूमर्स को, पब्लिक को पता चले मेरे प्रोडक्ट के बारे में, ताकि उस लोगों को पता चलने के बाद वो सारे लोग मिलकर मेरे प्रोडक्ट को परचेस करें, इसलिए एडवर्टाइजमेंट करा जाता है। तो सिनेमा हॉल में एडवर्टाइजमेंट होता है, और कहाँ होता है? सोशल मीडिया पे होता है, जैसे कि ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, डिजिटल मार्केटिंग होगी, ये सब किसके अंदर आता है बेटा? सोशल मीडिया में होता है। उन सभी को क्या कहा जाता है बेटा? एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। क्यों करा जाता है? जिससे क्या होता है बेटा? लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, किसकी? हमारे प्रोडक्ट की और हमारे सर्विसेज की, ताकि जो चीजें मार्केट में अवेलेबल है वो उनको परचेस कर सके। दैट इज कॉल्ड एज एडवर्टाइजमेंट। बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि अगर एक कंपनी है जैसे कि MI कंपनी, उसने एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है, कोई मोबाइल फोन मार्केट में लॉन्च किया है, तो वो लोगों को बता रही है। किस किस के जरिए बता सकती है? वो टेलीविजन के जरिए बता सकती है, वो यूट्यूब के जरिए बता सकती है, वो प्रिंट मीडिया के जरिए बता सकती है, लोगों को ये बता सकती है कि मेरा ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप उसको चाहते हो परचेस करना तो आप कर सकते हो। तो वो सब चीज क्या कहलाती है बेटा? हमारी एडवर्टाइजमेंट कहलाती है। हमने समझ लिया कि एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है। अब हम बढ़ते हैं एक छोटा सा टॉपिक पे जिसका मतलब है डेफिनेशन क्या होती है एडवर्टाइजमेंट की। अगर आपसे कोई पूछ लेता है
कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, तो आप उसको बोल रहे हो कि लोगों को जानकारी देना हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, दैट इज व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट। उसको आपने क्या बोल दिया, ये चीज बोल दी, तो उसने कहा कि चलो ठीक है। फिर अगर सपोज करो उसने आपसे पूछ लिया कि चलिए ठीक है आप कॉमर्स के स्टूडेंट है ना, तो चलिए बताइए कि डेफिनेशन क्या होती है एडवर्टाइजमेंट, तो आप अटके ना, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे बेटा, डेफिनेशन भी पढ़ेंगे इसकी एडवर्टाइजमेंट। Advertising is an form of non-personal presentation. सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं कि advertising या फिर कह सकते हैं advertisement एक तरीके का non-personal presentation है। Non-personal presentation का मतलब क्या है? Non-personal presentation का सिंपल सा मतलब है कि जब आप सुबह उठते हो और अखबार पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो और उसके अंदर आप देख रहे हो कि वाओ बहुत अच्छी सी बाइक, वाओ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो जब आप उस न्यूज़पेपर में कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो वो क्या कहलाता है बेटा, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन कहलाता है। प्रेजेंटेशन क्या होती है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज व्हाट इज प्रेजेंटेशन। मैं आपको समझा रहा हूं, ये सारा टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये सारा टॉपिक समझा रहा हूं, दैट इज व्हाट इज प्रेजेंटेशन। उसको मैं प्रेजेंटेशन भी कह सकता हूं, टीचिंग भी कह सकता हूं। तो एक ऐसी चीज जो आप खुद पढ़ रहे हो, कोई इंसान आपको नहीं पढ़ा रहा है, कोई इंसान आपको नहीं बोल रहा है कुछ बात, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में क्या है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, कोई आपको बोल नहीं रहा है, कोई आपको समझा नहीं रहा है कुछ, बस आप क्या पढ़ रहे हो बेटा, कुछ चीज पढ़ रहे हो, न्यूज पेपर में कुछ आया तो उसको आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो। बाहर घूमने गए तो बहुत बड़े से होल्डिंग्स लगे थे, किसके, फेरेंट लवली के, फेरेंट एंड हैंडसम के, इनके क्या कर रहे थे, होल्डिंग्स लग रहे थे, तो आप उनको पढ़ रहे हो, तो वहां पर आपको कोई प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है, कोई पर्सन आपको बता नहीं रहा है, आप खुद पढ़ रहे हो। तो एडवर्टाइजिंग क्या होता है बेटा, एक तरीके की नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है किसी भी आइडिया की, गुड्स की और सर्विसेज की, जिससे क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, ताकि लोगों को बताया जाए, ताकि लोग उस चीज को परचेस करें। आप घूमने जा रहे हो, आप आ जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो आप जैसे ही घर से बाहर निकले, अपनी बाइक चलाते हो, आप बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो आपने देखा रोड पर एक बहुत बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है, एक बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, जिसमें लिख क्या रखा है बेटा, क्लासमेट के रजिस्टर्स अब अवेलेबल है लोवेस्ट प्राइस में भी और 5% डिस्काउंट। तो ये क्या है बेटा, एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्या हो रहा है, क्लासमेट के रजिस्टर्स के बारे में आपको बताया जा रहा है, उस होल्डिंग में आपको बोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि क्लासमेट्स के रजिस्टर्स अवेलेबल हैं कम कीमत पे और 5% डिस्काउंट के साथ। तो ये क्या है, एक तरीके का नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, ये क्या है, एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट है। वो होल्डिंग क्यों लगा हुआ है, ताकि लोगों को वो होल्डिंग दिखे, लोग उस होल्डिंग को पढ़े और उस क्लासमेट रजिस्टर को परचेस करें, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। हमने समझ लिया है कि एडवर्टाइजमेंट का सिंपल सा मतलब है कि एक कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करती है मार्केट में, तो वो क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट को यूज करती है, जिससे वो लोगों को इंफॉर्मेशन देती है अपने प्रोडक्ट के बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए और उसके बाद लोग उस प्रोडक्ट को परचेस करने लग जाए, उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट करने से क्या फायदा होता है, बहुत ही सिंपल फायदा, जितने ज्यादा लोग मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे उतने ही ज्यादा लोग मेरे प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। तो कुल मिला के एडवर्टाइजमेंट से मेरी सेल्स बढ़ती है और सेल्स बढ़ने की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ता है और उससे वजह से मेरी बिजनेस की ग्रोथ होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। इस चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे पर आज के लिए बस इतना ही हमने समझेंगे और जानेंगे कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, हमने अच्छे से जान लिया। अब यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है, उस छोटे से डायग्राम को भी मैं आपको बता देता हूं। ये एक कंपनी है जिसका नाम क्या है बेटा, हीरो मोटो। ये हमारे भारत की एकमात्र एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत अच्छी स्पीड टू व्हीलर्स बनाती है और जिसकी बहुत सारी बाइक्स मार्केट में सेल आउट होती है। तो वो हमारी कंपनी है जिसका नाम है हीरो। ये क्या प्रोडक्ट बनाती है बेटा, बाइक्स बनाती है। इसने एक नया प्रोडक्ट बनाया, एक नई बाइक बनाई। उस नई बाइक को क्या करना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहती है। तो वो क्या कर रही है, एडवर्टाइजमेंट का यूज कर, वो टेलीविजन पे अपने बाइक का क्या कर रही है बेटा, प्रमोशन कर रही है, अपने बाइक का एड दे रही है, एडवर्टाइज कर रही है, लोगों को इंफॉर्मेशन दे रही है। जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, उस
उसमें लोगों को क्या देंगे बेटा, एडवर्टाइज कर रही है उसमें लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जो यूट्यूब होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, सोशल मीडिया होता है, उसमें भी लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे। क्यों दे रही है? ताकि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो बाइक हमारी हीरो कंपनी ने बनाई है, वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो। तो कुल मिलाकर हमने अच्छे से समझ लिया है कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, उसका क्या फायदा होता है। कुल मिलाकर एडवर्टाइजमेंट का मतलब है प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ताकि लोगों को उसके बारे में नॉलेज हो और वो ज्यादा से ज्यादा मेरे प्रोडक्ट को परचेस करें। दैट इज कॉल्ड एज एडवर्टाइजमेंट। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ और एडवर्टाइजमेंट टॉपिक के बारे में। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेरे वीडियोज को देखते रहेंगे।